अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक। साइना खान डेली ब्लॉग झुक के बात कर रही थी। असल में मैंने ना ट्राईपॉड पे ना कैमरा सेट कर रखा है, किचन में काम कर रही हूँ, साथ चला गया है स्कूल। और आज मैंने बनाए हैं सुबह साथ के डब्बे के लिए पनीर के पराठे। ये देखो, ये रहा पनीर। तो ये पनीर मैं लेके पहले ही मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो मैंने सोचा चलो आज कुछ खाने में कुछ अलग से है नहीं, तो पनीर का पराठा बना देते हैं। तो ज़्यादा मैंने उसके अंदर कुछ डाला नहीं है, मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सिर्फ मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स आते हैं ना वो डाला है मैंने, हरा धनिया, और सिर्फ नमक डाला है, इसलिए क्योंकि साथ ना आराम से खा सके, साथ को ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं है। बाकी अगर आप कभी पनीर के पराठे बनाते हो, आप कैसे बनाते हो मैं अपने संग शेयर करना। मैं तो सिंपल बनाया, बाकी की आप मिर्ची, धनिया तो मैंने डाला है, प्याज वगैरह डाल सकते हो, पर मैंने प्याज वगैरह नहीं डाली है, सिर्फ सिंपल ज़्यादातर पनीर भर दिया है पराठे के अंदर। तो बस वही शेयर कर रही थी आपके संग, और मैं सोचा चलो बात भी कर लेते। ये पराठा गिल गया है। और बाकी के मैंने क्या किया, पहले सात को ना मैं क्या करती हूँ, सात का डब्बा बना के उसको पहले स्कूल भेज देती हूँ फ्रेंड, उसका डब्बा पानी पैक करके और सब कुछ करके। भैया तू जा, उसके जाने के बाद ही फिर मैं दरवाजा बंद करके आराम से बाकी का काम करती हूँ, वरना फिर क्या होता है ना, फिर बहुत जल्दी जल्दी हड़बड़ होता है। तो बस अब सुकून से जो भी पनीर के पराठे बना के खत्म करती हूँ। एक पराठा मैंने अम्मी के लिए पहुँचा दिया, अम्मी नाश्ते में खा लेंगी, तो बाकी का काम खत्म कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। चलो आप भी देख लो क्या करें रोज रोज डब्बे में, आज क्या बनाए क्या बनाए, यही रहता है फ्रेंड। और साथ का बहुत वो रहता है, अगर कुछ भी डब्बे में उसको पसंद का खाना नहीं बांधो ना फ्रेंड, तो वो भूखा ही रहता है, फिर वो खा वैसे डब्बा ना वापस ले आता है। और उसका डब्बा ऐसे खाली होके आता है ना, पूरा खाना खत्म कर लेता है, यकीन मानना फ्रेंड, इतनी खुशी होती है मुझे कि चलो उसने अच्छे से पूरा डब्बा खा लिया। बच्चा वरना भी भूखा रहे, सुबह सात जाता है 10 बजे और आता है शाम को 4 बजे, तो फ्रेंड देखो इतना लंबा टाइम हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ डब्बा उसके लिए ऐसा बांधू कि वो अच्छे से उसका पेट भरा रहे। हर माँ की घर की कहते नहीं यही कहानी होगी, हर माँ यही टेंशन में रहती होगी कि भैया डब्बे में क्या बना है, उसका बच्चा क्या खा के आया है, कितनी सारी चुजलेबाजी करनी पड़ती है बच्चे के लिए कि बच्चा खा ले बस पहले से अच्छे से। ये बच गया, आटा खत्म हो जाएगा। ये देखो मैं ज्यादा सा पनीर भर दे रही हूँ भैया, भैया भैया कहने की बहुत आदत पड़ गई है मुझे भैया। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर तेरी तस्वीर सीने में मौजूद है, हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, छोड़ कर मदीना न जाए कहीं। ये बन गया पराठा, ठीक है ना फ्रेंड। तवा गरम है, तवे गरम पे मैंने डाल दिया पराठा। चलो फ्रेंड काम करती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ, बहुत सारा काम है। ये तो मैं आपसे रोज ही बोलती हूँ, बहुत सारा काम है। आज हो गया है संडे फ्रेंड, साथ ताला निकाल। और आज मैंने अपनी किचन से छुट्टी ली है फ्रेंड, रोज़ किचन में जाके वही सब बनाना, पराठे शराठे सब खा लिए। तो मैंने सोचा आज एक दिन संडे का मिलता है, देखो कल से सात का फिर से वही स्कूल ट्यूशन सब रहता है, तो अभी सात का क्या हो गया, सब चेंज, स्कूल का टाइमिंग ट्यूशन का टाइमिंग प्रॉपर चेंज हो चुका है। सुबह जाता है, शाम के 4 बजे ही घर वापस आता है, तो पूरा दिन मेरे साथ रहता नहीं है, ठीक है। मैं भी वही घर भर में काम वाम करती रहती हूँ, तो मैंने सोचा आज संडे और फिर कल से उसका वही रूटीन चालू हो जाएगा, तो आज इसके बाल कटवा देती हूँ, आज बाहर जाके नाश्ता करते हैं, और आज का दिन मैं इसके साथ बिताती हूँ, है सर। चलो तलो तलो शूज़ पहन लियो, मेरे शूज़ कितने गंदे हो रहे, देखिए ना, तो अपने शूज़ होगा ना मेरे भी धो दियो, ठीक है। चलो जी, हाँ
जब तक फ्रेंड नाश्ते का ऑर्डर दे दिया है, नाश्ता तैयार हो रहा है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ इस शॉप की मिठाई। इतनी वैरायटी थी मिठाई की फ्रेंड, इसमें से आपकी पसंद की कौन सी मिठाई है प्लीज़ कमेंट करना। और मुझे तो ना रसमलाई ज़्यादा पसंद है, मेरे हस्बैंड को ना लड्डू बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को साथ को, ये दोनों तो लड्डू के दीवाने हैं फ्रेंड। घर के अंदर कितने भी लड्डू आ जाए ना, मेरे हस्बैंड और साथ दोनों ही खा जाते हैं। और इस दुकान के लड्डू बहुत अच्छे हैं। ये सारी ना, तो फ्रेंड नाश्ता अधूरा है, तो मैंने एक चाय भी मंगवाई है। और ये शक्कर ना कुछ अलग से आई है, इस तरह से ना साथ डालने से डाल सकते हो। अच्छा अच्छा, ये शक्कर है, पहली बार देख रही हूँ मैं ऐसी शक्कर। ये वाली बड़े लोगों की है बेटा, गरीबों की तो बारीक वाली आती है। ये चाय थी ना, इसके लिए ना शक्कर अलग से आई थी, बड़े बड़े तीन चार क्यूब्स आए थे, तो मैंने तो तीनों चारों क्यूब्स डाल लिए थे फ्रेंड, क्योंकि मैं ना मीठी चाय ज़्यादा पीती हूँ। तो साथ को मैं चखा रही थी, साथ बोला मम्मा शक्कर कैसी है, बाकी में बहुत अलग टेस्ट था फ्रेंड इसका। मैं तो भैया पहली बार ऐसी शक्कर को टेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि हम तो वही भैया देसी बारीक वाली। बारिश तो फ्रेंड बंद नहीं हुई है, पर हम लोगों ने नाश्ता करने के बाद रिक्शा कर लिया है, और मैं जा रही हूँ साथ को लेके चुंगी पर, क्योंकि इसके बाल बहुत बड़े हो गए बाल कटवाने के लिए। और बारिश तो अभी हो ही रही है शायद पूरे दिनों। अरे हाँ, साथ के बाल कटवाने आई थी फ्रेंड, लेकिन वहाँ पे ना एक पहले से बुकिंग चल रही है, तो वो लोग बोल रहे हैं तो 15 मिनट के बाद आना, या 15 मिनट वेट कर लो। अब मैं कि वेट करेंगे तो वेट करने से अच्छा है थोड़ा सा मार्केट वगैरह घूम लेते, तो 15 मिनट क्या कट जाएंगे। चल आया शूज़ देख रहे हैं वाइट कलर के, इनको बोला था मैंने, भैया खड़े ना बात कर रहे हैं फ़ोन पे, फुल वाइट। जब हम शूज देख रहे थे ना फ्रेंड, तो बाइक पे दो लड़के थे, इनकी ना बाइक स्लिप हो गई थी। आपको ना फ्रेंड ये वाला शूज पसंद आया था, ये वाला आए तो बाल कटवाने थे और जूते खरीद रहा तू। हाँ, फिर आ गया था सात का नंबर, तो मैं आ गई थी दुकान पर, बाल की दुकान पर, जहाँ सात के मुझे बाल कटवाने थे फ्रेंड। तो सात को बिठा दिया, तो सात ना भैया से बोल रहा था जो बाल काट रहे थे ना, कि धीरे करो मेरे ना ब्लेड लग रहा है, तो वो उसको सात के संग ना मस्ती कर रहे थे। ये सात की नई कटिंग, सात दिखा अभी देखो, फैशनेबल फैशन की हीरो जैसी तो कटिंग करवा नहीं सकती है इसकी, खैर हीरो जैसी करवानी भी नहीं है। सात के स्कूल में जो अलाउड होता है ना एकदम छोटे बाल, वैसे ही मैं करती हूँ, मैं इसको छोटे बाल ही रखती हूँ, मुझे वैसे ही पसंद है। आ जाओ, इसको उसके अपने लिए पेन चाहिए तो पेन दिलाने आती हूँ, और जब भी मैं चुंगी पे आती हूँ तो पेन लेता ही लेता है मेरे से, पेन दिला दो पेन दिला दो। आ जाओ, बाल कटवाने के बाद घर पे आए ना फ्रेंड, सात के बाल चुभ रहे थे, तो सात ने क्या किया, अपनी टी शर्ट उतार कर स्वेटर पहन लिया। अब मैं इस वक्त जा रही हूँ अम्मी के घर पे, क्योंकि ये कपड़े वाले भैया हैं जो कपड़े देने के लिए आते हैं, तो उनसे मैं कपड़े मुझे मैंने पहले भी लिए थे, तो उसमें से एक ड्रेस ना कुछ ख़राब निकली आया है, सही नहीं है, तो वो चेंज करना है। और अगर कुछ नए कपड़े आए होंगे तो वो भी ले लूँगी मैं, तो बस वहीं जा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला था हम 3 बजे आएंगे, तो 3 बज गए, तो चलते हैं फिर घर बैठे शॉपिंग करने के लिए। कपड़े वाले भैया, मैं इनका इंतजार कर रही थी अम्मी के घर पर आ गए, तो फाइनली ये आ गए, कब से इंतजार कर रहे थे ये रे। तो ऐसे हमारी घर बैठे शॉपिंग हो जाती है फ्रेंड, और बस्तियों में ज़्यादातर ना ऐसे ही करते हैं। लो चाय तुम्हारी पी की, और इधर ना अम्मी ने ना मलाई जमा करी है, मलाई में से घी निकलवा रही है। पापा की चाय का टाइम हो गया है, तो पापा को चाय देने जा रही हूँ।
मेरी अम्मी के घर में ना मेरी तीनों भाभियाँ और अम्मी, ये लोग क्या करती है दूध में से मलाई को ना जमा कर लेते हैं फ्रेंड ये लोग, फिर उसका ना मलाई जमा करके घी निकालते हैं। तेज भूख लग रही है फ्रेंड, तो मैंने अपने लिए ना चाउमीन मंगाई है। वो ले लो कुछ। नहीं चाउमीन मंगा, चाउमीन खाने का मन भी हो रहा था, बरसात हो रहा चटपटा खाने का मन होता है। ये चाउमीन साफ चम्मच नहीं काटे वाला, क्यों हो रही है? पैसे पैसे अच्छी है। ये देखो फ्रेंड मलाई को इतना फैटा, मतलब जो दूध की मलाई को इतना फैटा फैटा देखो ये निकल गया है घी, मतलब घी की थोड़ी देर में इसको पिघलाएंगे ना, देखो ये घी निकल गया सारा फ्रेंड। तो इस तरह फ्रेंड आज बना रही हूँ मैं अम्मी के घर पे पूरी। अम्मी कह रही है आई है तो यही खाना खा जाना, बाहर हो रही है बहुत तेज बारिश। तो मैंने कही चलो ठीक है नेकी और पूछ पूछ, तो मैं बना रही हूँ पूरी। और पता है फ्रेंड मैंने क्या किया, जैसे अभी परसों जब कूडे की न्यास थी ना टिकिया बनी थी, तो मैंने वही है ना ट्रिक आजमाया। मैं अम्मी से बोला मैं अम्मी पूरा ऐसा आटा बेल के मैं इसको पूरी बनाती हूँ। देखो फ्रेंड छोटी छोटी पूरी बना ली है टिकियों की साइज़ की, एक सी सी, तो जल्दी भी और एक साथ में इतनी सारी पूरी बन गई और टाइम भी नहीं लग रहा। दिमाग दिमाग है, मानते हो कि नहीं मानते कमेंट करना। तो मैं इस तरह से बड़ा सा पराठा बेल रही हूँ और फिर गिलास से इस वाले गिलास से पूरियों को काट लूँगी। तो एक साथ में ना बहुत सारी पूरी कट जा रही है फ्रेंड। जो काम जल्दी हो सकता है उसको जल्दी करो, दिमाग लगाओ, जल्दी काम होने से होता है फ्रेंड आप जल्दी फ्री हो जाओगे। ऊपर वाले ने दिमाग दिया ना, सही इस्तेमाल करो। और अम्मी बना रही है गोभी आलू मटर की भाजी, तो बस ये देखो कितना बड़ा पराठा, अभी और बड़ा करूंगी। चलो लग हुई है पूरी सेकने में, भाजी बनाने में, अपने बच्चों के लिए पेट पूजा का इंतजाम करने के लिए। अम्मी तुमने जाना आज तक उन्होंने तारीफ नहीं करी, मैंने इनको इनकी ना कुंडी की टिकिया बनवाई इतनी आसान तरीके से फ्रेंड। बचपन से मैं देखती आ रही थी जो कुंडी की टिकिया बनाती थी इतनी ज्यादा मेहनत करती थी ये टिकिया बनाने के लिए, लग जाना काम पहले से करना इतना सारा फैलावा। इस बार मैंने इनकी आसानी से हेल्प कर दी, इसलिए आज मेरी तारीफ करना बनता है। आप बताना कमेंट करके इनको मेरी तारीफ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तारीफ क्यों नहीं गई, तो टिकिया बनवाई मैंने 3 किलो की, आज तुम्हारी पूरी का मैंने मसला हल कर दिया है। अब बताओ तारीफ के 2 शब्द वो कहोगी? नहीं तो तारीफ तो करनी पड़ेगी। नहीं तुम्हारा काम आसान करा के नहीं करा मैंने, बताओ टिकिया का काम बताओ आसान था? अरे नहीं मैंने जो तुम्हारी हेल्प करी तो तुम्हारा काम आसान हुआ नहीं हुआ? नेट वाले धन्यवाद दो। देखो मतलब देखा सबसे मुश्किल काम है फ्रेंड किसी की दिल से तारीफ करना, और वो अम्मी कर नहीं रही है तो अम्मी के लिए दिल बहुत मुश्किल हो रहा है मेरी तारीफ करना, है ना अम्मी? तुमने मेरी बेइज्जती कर दी, पोपट कर दिया मेरा। मैं हटाऊंगी इधर कैमरा। बहुत अच्छी बनाई, बहुत हेल्प करी, बहुत बढ़िया बनाई। 10 मिनट में बन गई, 10 मिनट में 10 मिनट में टाइम लगा, आसानी से बन गई। चलो पूरी का आज पूरी का ट्रिक बताया तुम्हें मैंने, पूरी का नया तरीका बताया आज। हाँ हो गया। हाँ ये तेल बच गया है। खाना पीना फ्रेंड हो गया है, अल्लाह का शुक्र है। पूरी भाजी खाई थी मैंने, बहुत अच्छी सब्जी बनी थी। और अम्मी ने जैसे कि अम्मी क्या करती है मलाई जमा करके घी निकाल लेती है। मेरे घर में सब लोग मेरी दोनों तीनों भाभियाँ मेरी अम्मी क्या करते हैं लोग दूध की मलाई जमा करते हैं 15 दिन 20 दिन जितने भी दिन करते हैं, उसके बाद ये लोग क्या करते हैं मलाई में से घी निकाल लेते हैं। तो हमारे घर के अंदर ना बाजार का घी नहीं आता फ्रेंड, मैं ले लेती हूँ बाजार का घी। लेकिन अब मैंने भी मलाई जमा करना स्टार्ट कर दिया है, उन लोग को देख के कह रहा मैं भी असली घी निकालूंगी घर पर। तो अम्मी वगैरह घर पर घी निकाल लेते हैं, तो जब घी निकालने के बाद जो छाछ बचती है ना मलाई में से ये रही वो, तो अम्मी ने मुझे दे दी। वैसे अम्मी इसकी कड़ी बना लेती है पर अम्मी ने खाना बना लिया था, तो इसलिए मैं सोच रही चलो मैं इसकी रात में कड़ी बना देती हूँ, आधी बना के आज रख देंगे, बाकी की जो भी तैयारी रहेगी बच्ची वगैरह की वो सुबह कर देंगे। तो चलो लग जाते हैं कड़ी बनाने में फ्रेंड। वैसे भी खाना वाना तो खा ही लिया है, फ्री हूँ तो सोच रही चलो कड़ी चढ़ा देती हूँ। बाहर बारिश हो रही है अभी भी।
ये देखो फ्रेंड, मैंने कढ़ी चढ़ा भी दी थी और इसके अंदर बॉईल भी आ गया। अब इसको 2-3 घंटे पकाऊंगी और बाकी का जो भी भजिए वगैरह होते हैं ना, वो मैं कल सुबह ही डालूंगी इसके अंदर और बघार भी सुबह ही लगाऊंगी। तो बस चलो, एक जो भी चीज़ वेस्ट थी ना, जो मलाई में से निकला था, वो जो घी मतलब जो मठा निकली थी, उसको मैंने फेंका नहीं, उसकी बना ली मैंने कढ़ी। मेरी अम्मी भी ऐसी करती हैं, साथ कर रहा है पढ़ाई। और बाहर देखो फ्रेंड, एकदम अंधेरा हो गया है क्योंकि ना बारिश हो चुकी है और अभी भी है ना, मैं आपसे ओवर वॉइस कर रही हूँ तो बाहर बारिश हो रही है। प्लीज़ फ्रेंड, अगर आपको मेरा चैनल, मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो, ईमानदारी से फ्रेंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको मेरी मेहनत दिखती हो कि हाँ मैं वाकई मेहनत कर रही हूँ फ्रेंड ब्लॉगिंग के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।